अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त फेस क्रीम की रेमेडी। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये बनकर तैयार हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसे बनाने का तरीका। तो इसका मेन इंग्रेडिएंट है केसर। तो हम यहाँ पर आधा चम्मच केसर ले लेंगे। आप चाहें तो कम भी ले सकते हैं, आपको ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक पेपर और उसके ऊपर डाल दिया हमने केसर। इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और इसे हम तवे पर सेक लेंगे। केसर को सेकने से इसका कलर बहुत अच्छा और निखर कर आता है। इसका कम्प्लीटली इसका जो फ़ायदे होते हैं वो निकल आएंगे। तो आप इसे ज़रूर सेकिएगा। इसे एक मिनट के लिए सिर्फ सेकना है और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे एक बाउल में। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मुझे बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। तो यहाँ हमारा केसर अच्छी तरीके से सिक गया है और अब देखेंगे आप कि कितना ज़्यादा क्रिस्पी हो गया है और इसकी वजह से इसका बहुत अच्छा कलर आएगा जो डायरेक्ट पानी में डालने से नहीं आता है। तो यहाँ हमने एक बाउल ले लिया है और इसमें हम निकाल लेंगे अपना केसर और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 3 चम्मच। तो अब हम ले लेंगे 3 चम्मच रोज़ वाटर। आप चाहे तो पानी भी डाल सकते हैं या घर का बना हुआ रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसे आप अच्छी तरीके से चलाइएगा। आप इतना इसको जितना चलाएंगे उसका केसर का सारा इफ़ेक्ट, सारा कलर निकल कर आ जाएगा और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया, अभी से ही बिल्कुल पीला हो गया है। अब यहाँ पर हम ले लेंगे 2 चम्मच एलोवेरा जेल। आप घर का नेचुरल जेल भी यूज़ कर सकते हैं एलोवेरा का, और पैकेट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको पता है कि एलोवेरा जेल हमारे स्किन के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपकी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम हो एलोवेरा जेल से ठीक हो जाता है। तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हम लेंगे यहाँ पर आलमंड ऑयल। इससे भी आपकी स्किन बहुत ही अच्छी होती है, आपके फेस पे जितने भी रिंकल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं और आपके चेहरे पे जो दाग होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। साथ ही में हम इसमें डाल लेंगे 2 चम्मच नारियल का तेल। नारियल के तेल से भी क्रीम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बन जाएगी क्योंकि नारियल के तेल से फेस पर वाइटनेस आती है और ये बहुत ज़्यादा स्किन फ्रेंडली है। फाइनली हम डाल देंगे एक विटामिन ई की कैप्सूल। ये बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, आपकी स्किन को टाइट रखेगा। तो इसमें आप एक विटामिन ई की कैप्सूल ऐड कर लीजिए और इसे साथ में अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। और आप देखना, आप जब इसे रात में लगाकर सोएंगे, आप सुबह उठ के देखेंगे आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी। और इसको आप अगर कंटिन्यूसली लगाएंगे तो आपके चेहरे पे दाग धब्बे वो भी दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैंने पहले इस रेमेडी को ट्राई किया था 1 हफ्ते तक और मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है, तो इसलिए अब मैं इसे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसे आप रात में लगा कर सो सकते हैं और चाहे तो दिन में भी लगा सकते हैं, लेकिन दिन में हमें नमाज़ पढ़नी होती है, हम फेस वॉश करते हैं बार बार। तो एक बार आप इसे रात को लगा कर सो जाइएगा तो आप देखेंगे आपको कितना फ़ायदा मिलेगा, कितना फ़र्क पड़ेगा और ईद पर आपका चेहरा खिल उठेगा। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा क्रीम ट्राई करेंगे अपने बेबी के हाथ में, मैं ट्राई करूँगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा क्रीम लेकर हाथों पर अप्लाई कर दिया है। इसे आप अच्छी तरीके से रात में अपने चेहरे पर सोते वक्त फेस वॉश करके फिर इसे क्रीम को अपने चेहरे पर लगाइएगा हर तरफ, आपके माथे पे, गालों पर, नाक के ऊपर, चिन के पास, गले पर, गर्दन में और कान के ऊपर। और फिर आप सो जाइएगा और फिर आप सुबह देख सकते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। मैंने दिन में ही लगाया था, मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा था और मैंने रात में भी ट्राई किया था। आप देख सकते हैं हाथ पे ग्लो भी आ गया है और थोड़ी बहुत शाइन भी आ गई है। तो इसको अगर आप रेगुलर लगाएंगे ये कम से कम 15 से 20 दिन तक चल जाएगा आराम से। वो डिपेंड करता है आपने कितनी क्वांटिटी में बनाया है। पहले आप थोड़ा बनाकर ट्राई करिएगा, अगर आपको पसंद आएगा, आपको फ़ायदा होगा तो आप इसे और बनाकर रख सकते हैं। ये नेचुरल है, छोटे बच्चों को भी लगा सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो अब हम इसे एक कंटेनर में रख लेंगे, फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। मैंने इसे 1 हफ्ते यूज़ किया था, ये ख़राब नहीं हुआ था। इसे आप फ्रिज में रख दीजिए या बाहर रख दीजिए, मौसम वैसे ही सही है, या आप फ्रिज में रखिए अगर आपको डर है। तो आई होप आप इसे ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेमेडी कैसी लगी।
तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और भी रेमेडीज़ लेकर आऊँ तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइएगा, मेरे चैनल को लाइक भी करिएगा और इसे आगे भी शेयर करिएगा। फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी या रेमेडी के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अल्लाह हाफिज़।